अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। हर गुजरते दिन के साथ काजी फाजी सा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मुकम्मल तौर पे हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और काजी फाजी सा के लिए रास्ते बंद होते जा रहे हैं। आज दो खबरें ऐसी आई हैं जिसके बाद आप कह सकते हैं कि काजी साहब की भी छुट्टी और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट भी अब अपनी खैर मनाए। नंबर वन, काजी साहब की कैसे छुट्टी? काजी साहब देखिए कि उन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने आप को मजीद इक्तदार में रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। एजेंसीज अदलिया के साथ, लोअर जुडिशरी के साथ, हाई कोर्ट के जजों के साथ जो कुछ कर रही है, काजी साहब बिल्कुल खामोश। हुकूमत जाली मैंडेट वाली है, काजी साहब बिल्कुल खामोश। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, उल्टा काजी साहब ने आगे बढ़ के खुद बल्ले का निशान छीन लिया और आज पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा लगा हुआ है, काजी साहब उसके अंदर बराबर के स्टेक होल्डर हैं। लेकिन शूमी किस्मत, इतना कुछ करने के बावजूद भी काजी फायज ईसा साहब के एक्सटेंशन के चांसेस नहीं बन रहे। अब मजीद बेड़ा गर्क कैसे हुआ है? कल रात को एक खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ने जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना जवाब जमा करवाया है कि उन्होंने पीटीआई के लोगों को आजाद उम्मीदवार क्यों डिक्लेयर किया, क्यों उनको एक इंतखाबी निशान नहीं मिला। चले, बल्ले का निशान तो आपने वापस छीन लिया, कोई और एक क्यों नहीं मिला, या वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से क्यों इलेक्शन नहीं लड़ सके? तो इसका उनने जवाब जमा कराया क्योंकि आज संडे का दिन है, आज 23 जून है, कल 24 जून को सुबह 9:30 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 13 रुकनी बेंच यानी फुल कोर्ट अदालत लगने जा रही है, जिसके अंदर पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों के हवाले से चीजें डिस्कस होंगी और जो पिछली समातें हो चुकी हैं उसके अंदर जो वाजिया सवालात उठाए गए हैं वो ये हैं कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद की भी नहीं बल्कि पीटीआई की, पीटीआई से सिर्फ इंतखाबी निशान वापस लिया गया था, जमात तो मौजूद थी। अब इलेक्शन कमीशन ने जो वारदात डाली, उन्होंने कहा कि असल में इंतखाबी निशान इसलिए वापस लिया या इनको आजाद उम्मीदवार इसलिए डिक्लेयर किया कि ये आ गए थे पीटीआई नजरियाती के प्लेटफॉर्म से। इन्होंने इंतखाबी निशान मांगा था बल्लेबाज का, क्योंकि ये पीटीआई वो अख्तरदार वाली जमात, वो आपको याद होगा कि उसको उठा लिया गया था, फिर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, वो जो सारा तमाशा हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने कहा क्योंकि इन्होंने पहले वो एक जमात के फॉर्म जमा करवाए, सर्टिफिकेट जमा करवाए, उसके बाद इन्होंने खुद ही विड्रॉ कर लिए, इन्होंने खुद ही कहा कि नहीं, अख्तर इकबाल डार की जमात से हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यानी पीटीआई नजरियाती से, बल्लेबाज के निशान से, तो लिहाजा जब ये किसी जमात की जानिब से लड़ ही नहीं रहे थे, इन्होंने अपने सर्टिफिकेट वापस ले लिए थे, तो फिर कौन सा निशान, कौन सी जमात, इन्होंने तो खुद अपने आप को आजाद बनाया, हमारा कोई कसूर नहीं था। जिसका जवाब फौरी तौर पर आ गया, लोग बेवकूफ नहीं है। आपको याद होगा जब ये वारदात डली थी ना, कागजात नामजदगी का आखिरी दिन था, जमा करवाने का सर्टिफिकेट वगैरह, तो उस वक्त ये जो टिकट जमा होते हैं, उस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज आ गई थी। वो प्रेस रिलीज अब काजी फाइजी सा और इलेक्शन कमीशन के मुंशियों के लिए भी गले की हड्डी बन गई है। कैसे? उस पर लिखा हुआ था कि एक जमात के रुकन होते हुए, यानी अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं तो जब तक आप उसको छोड़ते नहीं हैं आप किसी दूसरी जमात के रुकन के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप पीटीआई नजरियाती की तरफ नहीं जा सकते, लिहाजा कोई भी जो है, जो डी आरओज है, आरओज है, वो इनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट इस हवाले से ना करें। हालांकि यह भी फ्रॉड था, ये भी फ्रॉड था, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले रुकन तो पीपल्स पार्टी के हैं लेकिन वो इलेक्शन लड़ते हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से, यानी फोर्थ पी, जिसका इंतखाबी निशान तीर है, तो टिकट उनको 4P के जारी होती है, जिसके सरबराह आसफ अली जरदारी थे या वो सदर बन गया, तो अब रोला पड़ा हुआ है कि आसफ भुट्टो को बनाना है या फरियाल तालपुर को बनाना है, यानी चेयरमैन PPP के चेयरमैन बिलावर और 4P जिसके टिकट से इलेक्शन लड़ा जाता है, जिसका तीर का निशान है उस जमात का, यानी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि आप एक जमात के अंदर हूं और दूसरी जमात के टिकट से आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसकी मिसाल मौजूद है। लेकिन उस वक्त
इलेक्शन कमीशन का अपना लेटर आ गया था कि नहीं नहीं ये मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा ये जो मुंशियों का ये भी मंसूबा था ये भी टिकने नहीं जा रहा, अदालत का लगने जा रही है और सीटें ज्यादा से ज्यादा या तो खाली रहेंगी या फिर पीटीआई के पास जाएंगी, सुन्नी इत्तेहाद के पास जाएंगी, वापस न्यू लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ इनके पास जाने का चांस नहीं है। तो लिहाजा काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन या हुकूमत जो कुछ करना चाहती थी वो भी अब जो है वो ऑप्शन बचा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आज खबर आई कि नून लीग की जानिब से घुटने टेक दिए गए हैं और पीपल्स पार्टी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि पंजाब के वो इलाके, साउथ पंजाब हो गया, रावलपिंडी हो गया, दीगर इलाके जहां पे पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है या पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मौजूद है, वहां पे डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू के कमिश्नर और पुलिस के अफसरान हम तैनात करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले तैनात करेंगे, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की दीगर शिकायात, तरक्याती फंड्स के हवाले से दीगर जो जो भी मुतालबात हैं सारे के सारे तस्लीम कर लिए गए हैं। अभी कल तक यानी शोर पड़ा हुआ था कि आप जेल में जाएंगे, अडयाला जेल में जाएंगे। हसन मुर्तजा ने तो यहां तक कहा कि फार्म 47 की कहानी अगर अनवारुल्ला काकड़ ने ना खोली तो पीपल्स पार्टी खोल देगी कि ये फार्म 47 की पैदावार है, ये हारे हुए हैं। क्या कहा था इस्लामाबाद में खड़े होकर हसन मुर्तजा ने? हसन मुर्तजा ने कहा था कि जे मैं वेखा फार्म 47 वल्लू तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा फार्म 47 वल्लू तो बल्ले बल्ले बल्ले। तो कहा था इनके बल्ले पल्ले असल में कुछ भी नहीं है, सब ये फार्म 47 की पैदावार है। तो लिहाजा अब खबर आई है कि घुटने टेक दिए गए हैं और सारे मुतालबात जो है वो तस्लीम हो गए हैं और आप बजट पर भी मुशावरत होगी और वो सारी चीजें भी पास हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको कहा था कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, मुतालबात तस्लीम ना भी हूं, मुलाकातें ना भी हूं, इनका बाप भी बजट पर वोट देगा। जैसे फैसल वाडर ने कहा था कि निजकारी होगी, ठोक बजा की होगी, बजट पास होगा, डंके की चोट पर होगा, ये सारे वोट करेंगे। तो ये सारे ड्रामे, घोसले और तमाशे। फिर आज एक अहम तरीन मुलाकात हो गई है जिसकी वजह से मैंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और नू लीग सूली पर चढ़ गई है। कैसे? मौलाना फजल रहमान और असद कैसर की हुई है मुलाकात। जरा तफसील खबर में आपके सामने रख लूं, फिर थोड़ी सी तफसील भी आपको बताता हूं कि कैसे ये अहम तरीन मुलाकात है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुलाकात में मुल्क भर की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुल्क भर में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी, रोज अब्बा दमनी के वाकयात में इजाफा हो रहा है, सूबे में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों का किरदार करना होगा, फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, दोनों जमातों के दरमियान कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात कायम के लिए अपना किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी बरादर मुल्क है, इसके साथ अच्छे और मसाली ताल्लुकात के खां हैं। अफगानिस्तान के साथ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इकोनॉमिक कॉरिडोर कायम करने का मुतालबा। तजारती सरगर्मियों से खित्ते में माशी इस्तेकाम आएगा और अवाम को रोजगार मुयसर आएगा। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का भी फैसला हो गया। मौलाना को चोग डाली जा रही थी, मैंने आपको बताया था जो है कायमा कमेटियां भी और आगे पीछे की लालचे भी, वजारतें भी दी जाएंगी, डिप्टी सेनेट का चेयरमैन भी ले लो, बलोचिस्तान का वजीर आला भी ले लो, और जो है वो PTI के साथ ना जाओ, कोई अलायंस ना बनाओ, कोई एहतजाज ना करो, क्योंकि मौलाना की से है, इस बात में कोई शक नहीं। मौलाना चाहे PDM के साथ हो, मौलाना चाहे आजाद हो, मौलाना चाहे PTI के साथ हो, मौलाना का वजन तो है। जरदारी को आपने जेल में जाते देखा, आपने नवाज को जेल में जाते देखा, शहबाज को देखा, सबको देखा, कभी आपने सुना हो कि मौलाना फजल रहमान जेल में गया है, नैब का कोई रेफरेंस मौलाना के खिलाफ आ गया है? अगर आ भी जाए तो मौलाना कहते हैं कि हम कोर कमांडर के घर के बाहर धरना देंगे और उसके बाद वो रेफरेंस वापस हो जाते हैं। और अफगान बॉर्डर पर वो कहीं चमन से लेकर आगे तक हर तरफ मदरसे ही मदरसे हैं जहां पे मौलाना के ये मदरसे और तालिब इल्म पढ़ते हैं। बलोचिस्तान से लेकर KPK के अंदर मौलाना का वोट बैंक तो छोड़ दें, चले वोट बैंक को ज्यादा है या कम है, लेकिन मौलाना का असर और सूख मौजूद है और मौलाना के पास एक ताकत मौजूद है, यानी स्ट्रीट पावर मौजूद है, जिसका PDM ने भी इस्तेमाल किया और जो है फायदा उठाया और मौलाना के हाथ में कुछ नहीं आया।
और आप पीडीएम को या इस हुकूमत को भी पता है, पीपल्स पार्टी और नू लीग वालों को, एस्टैब्लिशमेंट वालों को भी, कि मौलाना के जो कारकुन है ना वो तगड़े कारकुन है। वो पीटीआई के जो बर्गर कारकुन कहा जाता था ना, पीटीआई ने हालांकि ये दो सालों में बड़ा अच्छा मुकाबला किया और लड़े, अच्छा लड़े, जैसे जिसे कहते हैं लड़ना वो किया, लेकिन मौलाना के जो कारकुन है ना वो तगड़े कारकुन है, वो ट्रेंड है, तगड़े हैं, तो उनका मुकाबला जरा मुश्किल हो जाता है, यानी उनको डराना मुश्किल हो जाता है, मौलाना को डराना मुश्किल हो जाता है, और मौलाना अगर पीटीआई मिल जाए तो फिर तो काम ही कुछ और हो जाता है। तो लिहाजा इसलिए कोशिशें हो रही हैं कि ये काम ना हो और मौलाना को हम लालच दे दूं के अपने साथ मिला लें। लेकिन अब ये जो अहम तरीन मुलाकात हो गई और बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया, तो लिहाजा अब शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी मुश्किल ही मुश्किल हैं। काजी फायज ईसा का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।